सरप्राइज़ था जो मुझे आज मिला है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से, ई कार्ट लॉजिस्टिक्स मेरा एड्रेस। तो अभी जल्दी से इसको खोल के पता करते हैं कि क्या है इसमें। पोस्टमार्टम हो चुका है और ये देखो, गुड लुक एट दिस। ये है बोया। इसका बीज पता नहीं किसने बोया, इसके अंदर एक मच्छर भी पाया गया था। तो ये है बोया यूनिवर्सल कार्डियोइड माइक्रोफोन। बेसिकली ये एक माइक है जो आप यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो वॉइस है, वॉइस क्वालिटी जो आपके वीडियोस में है, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा इससे। ये अगर आप यूज़ करते हो शूटिंग करते वक्त, तो बोया कार्डियोइड माइक्रोफोन इज़ हियर एंड इट्स कंपैटिबल विद योर फोन, विद योर कैमकॉर्डर, विद टैबलेट्स, लैपटॉप एंड ऑफ कोर्स कैमरा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इनसाइड दिस बॉक्स। स्लोली वी विल रिवील इट। बहुत टाइट है यार। ऐसा लग रहा है ट्रेन की जर्नी कर गया है, काफ़ी उथल पुथल हो गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे अंदर है, वो है वारंटी कार्ड। इसका कुछ लिखा नहीं है। शिंजिन मेरा नाम। ओ सर, शिंजिन माय नेम इज़ शिंजिन, थोड़ा अलग है। इसको साइड में रखते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है और इसी से हमें मदद मिलेगी कि इसको सेटअप कैसे करना है। कार्डोइड कंडेंसर शॉटगन माइक्रोफोन। मैं तो कॉल करने वाला हूँ गौरव को, जिसने मुझे ये चीज़ भेजी है। ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ टू टेल मी हाउ टू माउंट दिस थिंग। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे ये डायग्राम बाय हार्ट कर लो, ये एग्ज़ाम में आने वाला है। यही है, जैसे आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसको सेटअप कैसे करना है। ये जो सामने का हिस्सा है, ये वो फर है जो ये है, ये वाला, ये इसमें ऐसा दिख रहा है, इसमें एक लॉलीपॉप टाइप बना है। उसके अंदर जो गया है वो है आपका असली माल, वो है माइक्रोफोन। और ये जो पार्ट दिख रहा है नंबर 4, ये अंदर ही होगा इसके, अभी निकाल के देखेंगे। इस पे आप माइक्रोफोन को माउंट कर सकते हो। ये वाला जो वायर है, आई थिंक सो दिस इज़ TRS 3.5 mm जैक। और इन दोनों में फ़र्क इतना ही है कि ये वाला कैमरा और लैपटॉप्स के लिए यूज़ होता है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। और ये वाला शायद मेरे फ़ोन के लिए सही रहेगा, देख लेंगे। तो अंदर है विंड प्रूफ स्वेटर, माइक्रोफोन, 3.5 mm इंटरफेस, द शॉक माउंट्स, ऑडियो आउटपुट केबल, TRS ऑडियो प्लग। और हाँ, एग्जैक्टली जैसे कि मैंने कहा था, ये छोटा वाला जो है वो है फ़ोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स के लिए, और जो बड़ा वाला है वो जाता है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और कैमकॉर्डर्स, ये सब है। तो एक प्लग जाएगा माइक में, एक प्लग जाएगा फ़ोन में। कौन सा प्लग किधर जाएगा वो अभी हम पता करेंगे। तो इसको साइड में रख देते हैं, काफ़ी हैंडी चीज़ है और इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। ये है वो फर जो कबूतर जैसा लग रहा है, और ये देख के मुझे मेरा दोस्त खुद याद आ गया गौरव, उसके बाल भी काफ़ी ऐसे ही है। यहाँ पे बोया की ब्रांडिंग, यहाँ पे एक खजाना है, आई मीन यहाँ पे होल है। ये देखो कितना डीप है, ये मेरा पूरा उंगली घुस गया। ये मैंने इसलिए एक्सपेरिमेंट किया ताकि बताने के लिए कि इससे या इससे बड़ा इसका माइक्रोफोन है जो अभी हम निकालने वाले हैं। अगर मेरा फ़ोन इस पर फोकस कर रहा है सही तरीके से, तो आप देख पाओगे इस नाचीज़ को।
भाई जो है यही है, दिस इज़ द एक्चुअल कैमरा, आई मीन द माइक्रोफोन, आई एम सॉरी, अनबॉक्सिंग वाला बंदा हूँ नहीं मैं, बॉक्सिंग वाला बंदा हूँ और मेरा फोर्टे वर्कआउट करना है। आई एम ट्राइंग टू वर्क दिस आउट फॉर यू गाइस, सो दैट आप में से किसी को भी अगर वॉइस क्वालिटी पे ध्यान देना है आपके वीडियोस पे, तो यू कैन ऑलवेज परचेज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बोया। तो ठीक है, इसको अभी जल्दी से इसके अंदर डाल देते हैं, और लॉजिक ये कहता है कि ये माइक्रोफोन है तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर जाएगा, तो इस पर अल्लाह गिर गया कबूतर। ये इसको डालना उतना मुश्किल है नहीं जितना जद्दोजहद मैं कर रहा हूँ इस वीडियो पे। टड़ा, देखो ये कैसे इसके अंदर घुस चुका है, और माइक का हिस्सा अंदर है यहाँ पे, आई कैन फील इट, और ये वाला हिस्सा बाहर है, और ये वाला जो होल है इस पर हम डालेंगे ये वाला वायर, ये वाला जो वायर है, और ये वाला इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रोफोन लिखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये साइन भी बना हुआ है, राइट। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स दिस पार्ट माइक्रोफोन पे लगेगा, और ये वाला पार्ट जिसमें ये फ़ोन बना हुआ है और यहाँ पे आई एम श्योर स्मार्टफोन लिखा हुआ है, ये पार्ट जाएगा स्मार्टफोन में। पार्ट इसके अंदर घुसा देते हैं, और ये लग चुका है, और ये वाला पार्ट फ़ोन के पीछे लगा देंगे। बड़ी मुशक्क़त के बाद बीवी का फ़ोन हाथ में आ गया है मेरे, वो यूज़ कर रही है ओप्पो, तो इसको मैं केस से पहले निकाल दूँ। काफ़ी अमेजिंग सा वॉलपेपर बीवी ने रखा है, पता नहीं कहाँ से रखा है। तो ये वाला जो पार्ट है, अब हम माइक्रोफोन का 3.5 mm जैक यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, बस ठीक से लग गया है, और ये आपका सेटअप वैसे तो रेडी है, बट ऐसा हाथ में लेके घूमना पड़ेगा आपको, इसलिए ताकि आप हाथ में लेके ना घूमो ये नाचीज़ दिया गया है आपको। ये नाचीज़ का नाम है, देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, शॉक माउंट। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये लग चुका है, ये सेटअप बन चुका है, और अगर आपको कंफर्म करना है कि ये अटैच हुआ है कि नहीं, ये कनेक्शन फॉर्म हुआ है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो एक आपको ये आइकन जो है हेडफोन वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स दिस इज़ कनेक्टेड। और अब इसको हम माउंट करेंगे इस पे, तो ये दिखेगा कुछ ऐसा ऐसा, और मैं ये अभी माउंट करने वाला हूँ, और ये हो गया है माउंट, जैसे कि आप देख सकते हो ये परफेक्टली माउंट हो गया है। इसका जो सबसे पतला हिस्सा है माइक का, वहाँ पे ये चला गया है। अब इसको हम रखेंगे फ़ोन के ऊपर। तो गाइस, इसको माउंट करने के लिए हम लेके आए हैं टैन टैन गोरिल्ला पॉड। यस, ये गोरिल्ला पॉड है, बट आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे जो कि है मैन फोटो कंपनी का ये अमेजिंग सा चीज़, जिससे आप ऑब्वियसली आपके फ़ोन को होल्ड कर सकते हो, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पोर्शन जहाँ पे आप अपना माइक्रोफोन माउंट कर सकते हो। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे हम इस माइक्रोफोन को माउंट। तो ये है अपना बोया MM1 माइक्रोफोन, और इसका जो निचला हिस्सा है ये वाला पार्ट जो आप देखते हो, इसका जो शेप है ये स्क्वायर शेप का है, और यहाँ भी इसमें भी स्क्वायर शेप का ओपनिंग है, तो हम इस ओपनिंग में इसको डाल देंगे। अगर आप देख सकते हो, वापस आपके लिए मैं क्लोज़ अप से दिखाना चाहता हूँ कि ये हमने यहाँ से
ऐसा डाल दिया है, और जो इसका ग्रिप है इसको हम टाइट करके टाइटली लगा देंगे, और ये एकदम टाइटली लग चुका है, ये एकदम परफेक्ट है, और दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक। और एक बार इसकी क्वालिटी ऑडियो चेक कर लेते हैं हम मेरे बीवी का फ़ोन डाल देते हैं इसके अंदर, ये लूज करके, यस ये बैठ गया है कम्प्लीटली, और इसको दबा के इसको टाइट कर देते हैं तो परफेक्टली फोन बैठ चुका है इस पर। यस नाउ लेट्स रिकॉर्ड अ वीडियो एंड अंडरस्टैंड हाउ द क्वालिटी ऑफ द ऑडियो। सो द बेस्ट वे टू चेक द ऑडियो इज एक्चुअली टू गो आउट इन द ओपन एंड चेक द ऑडियो, बिकॉज बाहर काफ़ी सारे एम्बियंट साउंड रहते हैं, तो जब आप बाहर जाके रिकॉर्ड करते हो तो आपको सही अंदाज़ा मिलता है ऑडियो का। यहाँ पे मेरे बॉन्साई को देख लेते हैं जो धूप सेकने के लिए बाहर रखी हुई थी, बट यहाँ पे तो बारिश हो रही है यार। सो नाउ वी हैव अ बेटर आइडिया, लेट्स सी इसका ऑडियो अब कैसा है। सो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड सबसे बेस्ट बात ये सब में ये है कि ये सब होने के बाद आप इसको रख सकते हो इस ब्लैक लेदर पाउच पे, जो कि लेदर है नहीं एक्चुअली, बट ये इसका क्वालिटी और इसका फील काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी इन्होंने ब्रांडिंग करके रखा है, दिस इज़ रियली गुड, यू शुड कीप योर माइक्रोफोन इनसाइड दिस। बारिश और कचरे से आप बचा सकते हो, और ये तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।